आज हम सबसे पहले सर्वो सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर सर्वो मोटर को डिटेल से देखेंगे। देखिए, एक मैकेनिकल क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को हम सर्वो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इनपुट होती है, कंट्रोलर होता है, एक ड्राइव होती है। ठीक है, ये सर्वो ड्राइव जिसको कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक मोशन कंट्रोल होता है, यहाँ पे हमने मोटर लगाई होती है, इसको सर्वो मोटर कह सकते हैं। और इस ओवरऑल को हम क्या कहते हैं, सर्वो सिस्टम कहते हैं। ये हमारा सर्वो ड्राइव है, ये हमारा क्या है, सर्वो मोटर लगी हुई है यहाँ पे, और ये पूरा क्या है, सर्वो सिस्टम है। अब फर्ज करें एक मैकेनिकल पोजीशन कंट्रोल है, तो एक हमारी पेपर कटिंग मशीन है। ठीक है, हम एक स्पेसिफिक लेंथ का पेपर काट रहे हैं, एक रोलर से पेपर चल रहा है। अब ये मोटर चल रही है तो इस पेपर को आगे आके चला रही है। अब एक पोजीशन तो हमें मोटर की मूवमेंट से, रोटेशन से पता चल जाएगी कितना पेपर आगे चला था। ठीक है, और आगे हम उससे काट रहे हैं। दूसरा तरीका, हम दूसरा उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं एक सेंसर के थ्रू। ठीक है, इस सेंसर से हम क्या कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और इस फीडबैक से हम इसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इस केस में ये सर्वो ड्राइव है, ये यहाँ पे मोटर है, और ओवरऑल ये क्या है, सर्वो सिस्टम है। कम्बिनेशन होती है फीडबैक का, इसमें ज़्यादातर हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, मतलब पल्स की विड्थ को चेंज करके हम उसकी क्या कहते हैं, स्पीड एंगल को चेंज कर रहे होते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डीसी मशीन है, गियर बॉक्स है, कुछ पोजीशन कंट्रोलर होते हैं साथ में। टाइप्स है डिफरेंट, एसी सर्वो मोटर होती है, डीसी होती है। एसी में देखते हैं, एसी के केस में दो सप्लाई होती हैं, एक हमारे पास मेन एसी सप्लाई है और एक दूसरा क्या है, कंट्रोल्ड एसी सप्लाई है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल वाइंडिंग है, इससे हम इस पोजीशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इस पोजीशन कंट्रोल से हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी का एंगल, यहाँ से अपने मर्जी के एंगल रोटेशन हासिल कर रहे होते हैं, इससे नॉर्मल रेफरेंस सप्लाई दे रहे होते हैं। इसी तरह डीसी में दो तरह से होती है, एक आर्मेचर कंट्रोल, मतलब हम आर्मेचर को सप्लाई दे के इससे कंट्रोल हासिल कर देते हैं, दूसरा फील्ड के साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं। देखें, अब जब आर्मेचर कंट्रोल होगा तो इसके साथ जो फील्ड है उसके साथ हम फिक्स सप्लाई दे देंगे, इसके साथ हम आर्मेचर के साथ हम क्या करेंगे, वेरिएबल सप्लाई देंगे। अब जब फील्ड कंट्रोल होगा तो हम आर्मेचर को फिक्स सप्लाई दे देंगे, और फील्ड के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल सप्लाई देके इससे कंट्रोल हासिल करेंगे। ओवरऑल सिस्टम में क्या है, ये सर्वो ड्राइव है, ये सर्वो मोटर चली हुई है, आगे आगे लोड लगा हुआ है, अपने साथ में पीछे पावर सोर्स लगा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर में। देखिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मैंने कहा था इसकी मदद से कंट्रोल कर। देखिए, पल्स डिफरेंस टाइम की देते हैं, अगर 1 मिली सेकेंड की पल्स है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसको 0 डिग्री पे हम पल्स कहते हैं होना चाहिए। इसी तरह 1.5 के ऊपर 90 है, 2 मिली सेकेंड के ऊपर 180 है, मतलब ये पल्स हमारे प्री सिस्टम में प्री डिफाइंड होती है कि कितनी पल्स होगी तो कितने एंगल की मूवमेंट होगी। सर्वो ड्राइव क्या होती है, जैसे आपको मैंने ऊपर बताया कि वो सिस्टम में जो एम्पलीफायर लगा हुआ होता है, जहाँ से फीडबैक होके वापस सिस्टम को दोबारा इनपुट देती है, वो सर्वो ड्राइव है। इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, इसका रिस्पांस फास्ट है, लो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इनर्शी है, स्पीड कंट्रोल ज़्यादा है, स्टेबल होती है। कुछ एप्लीकेशन हैं ये रोबोटिक्स में, बेड्स में, सीएनसी मशीन्स में, एंटीना में, टेक्सटाइल्स में यूज़ की जाती है।